गुरुवार की रात जामुरिया के इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में गगन स्पंज आयरन फैक्ट्री में गर्म लोहे का लैडर उबलने से श्रमिक घायल हो गए। खबरों के अनुसार इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के कारण रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक अन्य को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात 11 बजे के आसपास फैक्ट्री के लोहा गलाने वाली भट्टी में लगे लैडल से पिघला हुआ लोहा उबलकर गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत प्रबंधन को खबर दी तो उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। खबरों के अनुसार जामुरिया बाजार निवासी किशन केसरी की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इनके मौत के कारणों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वह शिफ्ट इंचार्ज बिहार के जमुई जिले के गंगटी निवासी धर्मेंद्र मिश्रा, उत्तर प्रदेश के बलिया के बालूपुर निवासी देवेंद्र कुमार यादव, बिहार के निवासी रामरतन राम और रानीगंज के एस्ट कॉलेज पाड़ा निवासी विवेक कुमार गोंड को रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बांका जिले के निवासी पप्पू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमरा हम सबई श्रमिक देर पासे थाकी एवं श्रमिक देर जन्नो आदेश स्वार्थे लड़ाई करू। आज के एकटा दुर्घटना हुएछे जे कारणे एक जन श्रमिकेर मृत्यु होयेछे एवं 6 श्रमिक तारा गुरुतर आहत हुए हासपाताले भर्ती आछे। आमादेर श्रमिकरा शुरू थेके तादेर साथे आछेन, आमादेर एखाने जारा इउनियनेर दायित्वे रयेछेन তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা থেকে শুরু করে তাদের খোঁজখবর নেওয়া এবং ম্যানেজমেন্টের কাছে নানান দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম এবং প্রাথমিকভাবে 50,000 টাকা তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। এছাড়াও আমাদের যে যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্য আমরা কম্পেনসেশনের দাবি করেছি, আপনারা শুনলেন, আমাদের 25,00,000 টাকা দাবি করা হয়েছে। पश्चिम बंगाल जामुरिया से राम कुमार की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।